The reminder of Mughal architecture and largest mosque in India, Jama Masjid, is in urgent need of repair, with many parts of the grand 361-year-old mosque in shambles. The masjid has been facing water seepage, which has eroded the structural integrity of the main dome and peeled off layers of sandstone and plaster from its walls and intricate parapet carvings. ऐसे किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट के लिए सबसे बड़ा जो खतरा और सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता पानी और यहाँ का जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है और उसके अलावा जो इसके गुंबद हैं जो इसकी छतरियाँ हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पानी से पहुँच रहा है क्योंकि पत्थरों के बीच का जो फासला है वो बढ़ गया है और उसके बीच में कभी कभी छोटे मोटे पौधे भी निकल आते हैं और उसके अंदर जो पानी जा रहा है उस गैप की वजह से तो मस्जिद की जो इमारत है उसको उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है तो इसमें सबसे पहली जो अशद ज़रूरत है जो एमरजेंसी है वो इसकी वाटर सीपेज को अरेस्ट किया जाए और उसके बाद ही इसमें जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो उसके बाद होना चाहिए इसके छज्जे जो जितनी छतरियां हैं जितने दालान हैं उनके छज्जे बहुत बुरी हालत में हैं देखिए चीमें तो वक्तन फवक्तन आती रही हैं और ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट को कोई भी ASI का एक्सपर्ट्स जो इंजीनियर्स हैं जो कंजर्वेशनिस्ट हैं वो देख के ये बता सकते हैं कि इसमें आखिरकार काम कितना है और वक्त कितना लगेगा Jama Masjid, the great mosque of old Delhi, has a courtyard capable of holding 25,000 devotees. The highly decorative mosque is built of red sandstone and marble. The construction of the mosque was begun in 1644 and ended up being the final architectural extravagance of Shah Jahan, the Mughal emperor who built the Taj Mahal and the Red Fort. Jama Masjid was last repaired 10 years ago by the Archaeological Survey of India.